गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक अगेन एंड स्वागत एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तुम्हारा भाई आ चुका है बैक और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा सुपर और बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाले बिकॉज ऑफ कि आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ब्रांड न्यू गेम। अगर आप भी परेशान हो चुके हो WCC3 रियल क्रिकेट 2020 को खेल के, तो यार आज मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया गेम जो कि ब्रांड न्यू लॉन्च होने वाली है और उसके अंदर बहुत सारे फीचर है। तो यार वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करना और यार चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दो, घंटी भी दबा दो, सारी चीजें फ्री है तो कर सकते हो। और चलते वीडियो की तरफ, लेट्स गो। बाउंस। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का शॉर्ट आउट, एंड आज का शॉर्ट आउट जा रहा है इन लोगों को, गेमिंग वर्ल्ड प्रिंस शर्मा एंड अभिज्ञान गेमर वरुण कृष्णा आयुष पाटिल फाइनली एंड ट्रिगर गेम। आप लोग भी चाहते हो कि भाई तुम्हारा शाउट आउट करें अगली वीडियो के अंदर आपको, तो इस वीडियो के नीचे जाना है, करना है प्यारी सी कमेंट एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो लेट्स गो, चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं बताता हूँ एक बहुत ही बड़ा गेम जो कि एक नंबर का गेम होने वाला है और आप लोग काफी टाइम से भाई वेट कर रहे थे ना ब्रांड न्यू गेम का एंड्रॉइड के अंदर। तो यार मैं आपको एक चीज तो पहले क्लियर करा दूं कि काफी सारी गेमिंग इंडस्ट्री जो है और काफी सारी जो कंपनी है वो अट्रैक्ट हो चुकी है। जैसा कि यार WCC3 का कामयाबी बहुत ज्यादा हुई, उसके बाद रियल क्रिकेट 20 ने भी काफी धमाका करा, उसके बाद सारी कंपनी अट्रैक्ट हुई है क्रिकेट गेम्स की तरफ, एंड्रॉइड गेम की तरफ मैं बोलूँ और क्रिकेट के गेम्स की तरफ। तो यार यहाँ से एक जो कंपनी वो तो भाई अपना नाम बना के पहले से ही रखी हुई है, वो एक और नया गेम लेके आ रही है अब जिसका नाम होने वाला है WCB3। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यार जो कंपनी है इस गेम को बनाती है उसका नाम है मंकी कंपनी है, मंकी क्रिकेट की, और वो गेम भाई एकदम से जबरदस्त होता है। और इसके मैं पहले बोलूं तो रिसेंटली इन्होंने दो गेम बड़े प्रोवाइड कर दिए हैं, पहला था WCB और उसके बाद अपडेट करके उसको निकाला WCB2। उसके बाद काफी सारे गेम इनके और भी अवेलेबल है, लेकिन यार मैं बात करूंगा आज सिर्फ और सिर्फ WCB3 के बारे में। तो जैसा कि रिसेंटली इन्होंने पोस्ट करा था एक FB पे अपने, और वहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि वो लेके आ रहे हैं WCB3। अब WCB3 के अंदर जैसे ही इन्होंने इंट्रोड्यूस करा तो उसके अंदर कुछ फीचर्स भी इन्होंने यहाँ पर दिखा दिए थे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि उसके अंदर यहाँ पे एक नया एम्पायर दिखाया हुआ था और हिंट दी हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ था WCB3, यहाँ पे देख भी सकते हो स्क्रीन पे। तो यार ये चीज से आपको एक चीज तो डाउट हो जाएगा भाई क्लियर कि यहाँ पे नया एनिमेशन कंपनी प्रोवाइड करने वाली, एक नया एनिमेशन और जिसके साथ आपको एक नंबर का ग्राफिक मिलने वाला है और एम्पायर भी चेंज होने वाला है। जैसा कि आपको रिसेंटली पता है कि इन्होंने भाई साहब फीचर्स के मामले में तो सभी को फीचर छोड़ दिया हो, चाहे WCB की बात कर ले या फिर 2 की, दोनों में फीचर्स तो सबसे ज्यादा सारे गेम से, जैसा कि रियल क्रिकेट 20 में उतने फीचर्स नहीं थे और ना ही उनके पास थे WCC3 के पास। तो यार अभी तो बात करें एनिमेशन पे इन्होंने काम उतना अच्छा नहीं करा, लेकिन भाई साहब कटसीन्स और बहुत सारी चीजें करी, बस गेम प्ले में थोड़ा सा मार खाई और वहां से इन्होंने सीखा है और अब लेके आ रहे हैं WCB3। अब WCB3 के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये काम कर रहा है गेम प्ले के ऊपर और उसका जो बड़ा राइवलरी है इन सभी के साथ, तो यार उन्होंने अगर आगे आना टक्कर देनी है तो आपको एनिमेशन पे भी काम करना पड़ेगा। और जैसा कि हिंट में दिखा दिया कि एम्पायर चेंज है, बाकी प्लेयर का आपको नया प्रोवाइड कर देंगे जल्दी ही ट्रीजर। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई यहाँ पे एम्पायर या फिर मैं बोलूँ ग्राउंड या फिर सारी चीजें मतलब एक नंबर की चीज होने वाली है। आपको प्लेयर के जो फेसेस होंगे वो भी काफी ज्यादा इलास्टिक दिखेंगे। और ये बात करूँ एनिमेशन की, तो एनिमेशन तो पहले से ही इन्होंने बहुत सारे प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन अगर नया गेम आ रहा तो उसके अंदर आपको नए एनिमेशन भी देखने वाले हैं और उन एनिमेशन के साथ गेम एकदम से सुपर होने वाला है। और गेम का जो अब बात करें तो साइज की, तो देखो यार अभी इनकी साइज है करीबन 300-450 MB के आसपास मिल जाता है गेम अगर WCB2 डाउनलोड करते हैं हम। अब लेकिन मैं बात करूं कि देखो नया फीचर, नया AI और नया एनिमेशन पे काम होकर नए कटसीन के साथ अगर कोई गेम आता है तो उसकी साइज डेफिनेटली बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब साइज का कोई मैटर नहीं होगा क्योंकि आजकल सभी के पास एक बढ़िया एंड्रॉइड मोबाइल होते ही है जिसमें आप स्मूथली गेम को रन कर पाओ और प्ले कर पाओ। तो यार देखो अभी जो काम है उनका वो एनिमेशन और आपको साइज वगैरह का कोई टेंशन है नहीं उनको, तो यार वो लेके आने वाला एक बहुत ही बढ़िया गेम। अब इसके अंदर आपको ब्रांड न्यू कमेंट्री भी मिल जाएगी और साथ ही साथ मैं बात करूं तो आपको AI फीचर और मोशन कैप्चर भी हो सकता है हो जाए। तो यार गेम एकदम से सुपर होने वाला है, बाकी मैं आपको बताऊंगा एक और वीडियो जैसे ही इनका ट्रीजर वगैरह आ जाता है। बस अगर मैं बात करूं अब आप लोग सोचने लग जाओगे भाई कब ये गेम हमको देखने को मिल जाएगा, तो मैं बोलूं अगर ट्रीजर की बात करूं तो जनवरी के अंदर आपको एक नया ट्रीजर देखने को मिल जाएगा इस कंपनी की तरफ से और उसके बाद आपको एक और नया गेम प्रोवाइड हो जाएगा 2021 के अंदर। अब इसकी डेट देखो कंफर्म नहीं है तो मैं कंफर्म बोलूंगा भी नहीं कि भाई कितनी तारीख को आएगा, कब आ जाएगा गेम। तो
बाकी यार अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी तो भाई देख लिया करो, 30 सेकंड की होती है शॉर्ट वीडियो, भी देख लिया करो प्लीज यार। और अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो यार, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी होती है, बातें भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना।